देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। सीमांत खटीमा के झनकैया थाना क्षेत्र के नारायण नगर इलाके में ग्रामीण के कमेटी के माध्यम से अवैध खाता खोलकर पैसा हड़पने का मामला सामने आया है। पूरे मामले के अनुसार स्थानीय स्तर पर बनाई गई कमेटी विवेकानंद जन कल्याण म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड के लगभग 2 दर्जन खाता धारकों द्वारा मीटिंग के दौरान अपना जमा रकम मांगने पर विवाद हो गया। सूचना मिलने पर झनकैया थाना से SI ललित पांडे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर समझा बुझाकर मामले को शांत किया। देखिए, एक हमारे पास सूचना आई थी कि यहाँ नारायण नगर में कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ के ज्ञात हुआ कि इनका एक कमेटी थी यहाँ पर। कमेटी के जो अध्यक्ष हैं तुषार अधिकारी, उन लोगों को यहाँ पर बिठा रखा, तुषार अधिकारी और उसके साथियों को यहाँ पर नारायण नगर के लोगों ने बिठा रखा था। तो इनका कुछ लेन देन है पैसे की कमेटी के संबंध में। तो आज यहाँ पर इन लोगों ने आपस में ये निर्णय किया कि ये 20 तारीख को जो है तुषार अधिकारी और उसके साथी लोग इन लोगों का सारा पैसा उचित माध्यम से दे देंगे। तो अभी इन लोगों ने कोई पुलिस को लिखित में तहरीर नहीं दी है, आपस में ही इनने समझौता कर लिया है। तो आपस का इनका मामला होने की वजह से नज़र हमारी भी रहे, इसमें विवाद न हो। समिति संचालक तुषार अधिकारी और उनके सहयोगी द्वारा लिखित राजीनामा कर ग्रामीणों की रकम वापस करने की समय सीमा निर्धारित करने के बाद लोग बमुश्किल शांत हुए। इस बीच स्थानीय पीड़ित ग्रामीणों ने क्या कहा, सुनिए। हमारा पैसा इनका कमेटी में फंसा पड़ा है, 2,17,000। ये 2 साल से तारीख पे तारीख ही दे रहा है, उस तारीख को आ जाना, इस तारीख को आ जाना। हम रोज मजदूरी छोड़ के यहाँ ही आ रहे, लेकिन ये लोग हमें घुमा घुमा के फिर वापस कर दे रहे, पैसा नहीं दे रहे। अब देखना ये है कि इन खाता धारकों के पैसे कब तक मिल पाएंगे। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।